बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर और एक्ट्रेस नीना गुप्ता की आने वाली फिल्म शिव शास्त्री बलबोआ का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जहां 2 मिनट 43 सेकंड के इस ट्रेलर में अनुपम खेर और नीना गुप्ता के बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। फिल्म में दो लोगों की कहानी को दिखाया गया है जो कि अलग अलग तरीके से अमेरिका में मिलते हैं। जहां फिल्म में अनुपम खेर एक रिटायर्ड बॉक्सिंग कोच की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं नीना गुप्ता एक स्मॉल बार चलाने वाली महिला का रोल प्ले कर रही है। बता दें कि फिल्म के ट्रेलर में बॉक्सिंग के लिए अनुपम खेर का जुनून साफ नजर आता है। रिटायरमेंट के बाद वह अपने बेटे और पोते के साथ अमेरिका जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात नीना गुप्ता से होती है। नीना गुप्ता 8 सालों से अमेरिका में है और अब भारत वापस जाना चाहती है, लेकिन एक चोर उनका पासपोर्ट समेत कीमती सामान चुरा लेता है और वह वहां फंस जाती है। वहीं फिल्म में अनुपम खेर और नीना गुप्ता के अलावा जुगल हंसराज, नरगिस फाखरी और शारिब हाशमी ने अहम किरदार निभाया है और अजय वेणुगोपालन द्वारा निर्देशित इस फिल्म का निर्माण किशोर वरित ने किया है और ये फिल्म 10 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। वहीं अनुपम खेर और नीना गुप्ता हाल ही में सूरज बड़जात्या की फिल्म ऊंचाई में भी नजर आए थे, जहां फिल्म में नीना ने बोमन ईरानी की पत्नी की भूमिका निभाई थी। वहीं अनुपम फिल्म में बोमन और अमिताभ बच्चन के दोस्त के रोल में नजर आए थे। इसके अलावा अनुपम खेर जल्द ही विवेक अग्निहोत्री की अपकमिंग फिल्म द वैक्सीन वॉर और कंगना रनौत की इमरजेंसी में भी नजर आने वाले हैं। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।